नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज़। आपके साथ मैं हूं कनिका। मेरठ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान चार बदमाशों को गोली लगी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बदमाशों की गोली लगने से दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घायल बदमाशों और पुलिसकर्मियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस ने चार घायल बदमाश सहित छह बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यूपी के कौशाम्बी में भाजपा महिला सम्मेलन में पहुंची राष्ट्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक सीमा द्विवेदी ने महिलाओं को एकजुट होकर पार्टी का सहयोग करने की बात कही। सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने आम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। आज महिला बहनों का कार्यक्रम है, महिला मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम है कि हम लोग चुनाव में लगकर के अच्छा काम करेंगे, महिलाएं भी अपना काम करेंगे। हमारा महिला सम्मेलन किन कैसी महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं? यूपी के मुरादाबाद की बात करते हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर बाइक सवार को बचाने के चक्कर में इंडियन गैस का कैप्सूल नाले में पलट गया। हादसा होते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत यह रही कि कैप्सूल के अंदर गैस नहीं थी, नहीं तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। धर्मपाल सिंह, बताइए, जो आपका ये इंडियन ऑयल का कैप्सूल आज ये नाले में आके गिरा है, ये कैसे गिरा है हाईवे पे? सर, हम काशीपुर खाली किए, कल की हमारी गाड़ी खाली, हम आज घर से आए। कहाँ जा रहे थे? इधर जा रहे थे कांडला। ये कैसे हुआ है सब? सर, ऐसे हुआ कि आज हल्का टर्निंग भी है, जी टर्निंग भी है, एक साइकिल वाले बचाने के चक्कर में हम दाने खींचे, ब्रेक लिए, लेकिन गाड़ी स्टेज में सीधी हुई नहीं, सीधी। क्या किसी को चोट लगी है? ड्राइवर कंडक्टर चार आदमी गाड़ी में बैठे थे, चारों से। अच्छा, खाली इस टाइम ही भरा है? खाली खाली है। किस रोड की घटना है जी? ये किस जगह का घटना है? ये दलपतपुर है क्या? सर, यहाँ से पूछने वाले से बताइए, दलपतपुर क्या पता नहीं। मेरा नाम मुजाहिद है जी। ये जो सड़क हादसा हुआ है, इंडियन गैस का जो कैप्सूल पलटा है, क्या मामला इसके नाम? ये ऐसा है, यहाँ पे मोड़ जो है बहुत खतरनाक है, 90 डिग्री का जो मोड़ है ये, और इस मोड़ पे जो आगे का दिखाई नहीं देता, सामने से गाड़ी आती है, कुछ जो है नाम है भोंके भोंके बन गए, उसकी वजह से इधर से आते हैं तो दिखाई नहीं देता। फिर ये जंप नहीं है, जंप होने चाहिए, स्पीड से लेकर आते हैं। क्या ये अतिक्रमण की वजह से ये हादसा हुआ है? जी, जो जी, ये ठेले खोके लग रहे हैं जी, जी, दिखाई नहीं देते ना सामने से क्या आ रहा है। प्रशासन कभी इनको हटवाता नहीं क्या? बात अब ये बोलिए, प्रशासन जो हटवाना चाहिए प्रशासन को। इससे बड़ा हादसा हो सकता था जी? हादसा हो सकता है, अभी अगर कोई नीचे अगर दब जाता भरते ही गैस भर हुआ होता है तो ये गैस फटता। आदमी भाई मकानात है पीछे, क्या यहाँ पर बस्ती है? यहाँ पर बराबर में बस्ती है, पीछे ये बस्ती है, ये एक्सीडेंट की वजह है। 50 मीटर की भी दूरी नहीं है, ये सामने बस्ती है, 50 मीटर भी नहीं है। क्या ये अतिक्रमण की वजह से ये हुआ है? दिखाई नहीं देता सामने का। यूपी के बिजनौर में पुलिस और स्वाट टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दोनों ने मिलकर कार्रवाई की और 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके कब्जे से एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। थाना कोतवाली शहर में जनपद बिजनौर की स्वाट टीम ने 7 साल से फरार इनामिया बदमाश को एक तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। अरशद अली झोझा थाना देवबंद जिला सहारनपुर का रहने वाला है। इसके ऊपर 20,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था। पुलिस टीम इसको पकड़ के जेल भेज रही है, वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है। फरुखाबाद जेल से गाजियाबाद पेशी में आया वेस्ट यूपी का कुख्यात बदमाश बदन सिंह बद्दू मेरठ में पुलिस हिरासत से फरार हो गया, जिसके चलते पुलिस अधिकारियों में खलबली मच गई। मौके पर पहुंचे एसएसपी ने पेशी पर लाए एक दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करके हवालत में डाल दिया। एसएसपी नितिन तिवारी का कहना है कि बदमाश की तलाशी में ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है, शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत एक व्यक्ति पर कातिलाना हमला करने वाले अभियुक्त को बिलारी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि डीजे पर मनपसंद गाने ना बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिस पर आरोपी ने पृथ्वी पाल पर 315 बोर का तमंचा निकालकर फायर झोंक दिया था।
जिससे पृथ्वी पाल गंभीर रूप से घायल हो गया था। फायर झोंकने के बाद सूरज मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुमान पुलिस महानिरीक्षक द्वारा आगामी लोकसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अपराधियों के अगेंस्ट कार्रवाई की जा रही है। इसी संदर्भ में थाना अजयनगर पुलिस द्वारा एक अवैध असले के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा है। उसका नाम है सूरज सिंह, उनके पिता का नाम है स्वर्गीय हरिश्चंद्र। इसके पास से आज सुबह ही हमें 0.315 बोर का एक तमंचा मिला और इसके अलावा एक फूका कारतूस भी मिला और इसके विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है 48/2019 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत। यह सूरज सिंह एक पिछले मामले में भी अभियुक्त है। इसी महीने 22 तारीख को डीजे पर मनपसंद गाने न बजाने के लिए विवाद हुआ था, उसमें इसने ये गोली चलाई थी। इससे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि उसने स्वीकार किया कि गोली चलाई थी और यही तमंचा उसमें प्रयोग हुआ। सर, ये पिछली बार कितनी बार जेल जा चुका है? इसके विरुद्ध इसके पहले भी 2013 में 3 मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, जिसमें से 2 विद्युत अभियोग के और 1 चोरी का मुकदमा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने आज भिंड पहुंचकर मीडिया के सामने अपनी सरकार की अब तक की उपलब्धियों को गिनवाया। इस दौरान उन्होंने भाजपा को लोकतंत्र की हत्यारी पार्टी बताया। कुर्सी के लिए काम नहीं करती है, हम 2 सीटें किसी राज्य में आए और सरकार नहीं बनाते। हमें जब जनादेश मिलता है तब हम सरकार बनाने का प्रयास करते हैं और सरकार बनाते हैं। तो चुनाव होना एक अलग बात है और सरकार बनाना एक अलग बात है। सरकार बनाना, कुर्सी पाना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य देश सेवा करना, जनसेवा करना। अच्छा, और जनसेवा में ये मान लीजिए हम माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय परिवार लाभान्वित होने वाले हैं और 5 करोड़ परिवारों के जो 20 करोड़ लोग हैं उन पर जो खर्चा होगा 72,000 रुपए प्रति साल तक चलेगा, 72,000 रुपए प्रति वर्ष। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा और तरीन खबरों के लिए बना रहिए CNN News पर। तब तक के लिए नमस्कार।